हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैंसर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो ज्योग्राफी को जो चैप्टर 7 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज एंड कंपेरेटिव केस स्टडीज, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए, जो है आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है कि जो स्टील इज कॉल द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिकॉज, किस कारण से हम स्टील को जो है बैकबोन कहते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा कि इट इज यूज फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स एंड ऑल्सो इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स। तो इस कारण से हम इसे मॉडर्न इंडस्ट्री का जो बैकबोन कहते हैं स्टील्स को। देन सेकंड आता है, विच ऑफ दिस फैक्ट्स अबाउट टिस्को मेक इट डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसमें से हमें चूज करने हैं कि भाई जो अदर जो इंटीग्रेटेड जो स्टील प्लांट है उससे टिस्को किस तरीके से अलग है। तो ऑप्शन आप यहाँ पर देखिए, सही ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में आपका इट इज द ओनली स्टील प्लांट इन इंडिया डेट वॉज सेटअप अप बिफोर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस से पहले इसको सेटअप किया गया है। और थर्ड पॉइंट आता है कि इट इज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी वाइल मोस्ट अदर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स आर पब्लिक सेक्टर कंपनीज। सो ये आपके जो सेकंड का आंसर हुआ। देन थर्ड आता है आपका, द स्टील प्लांट्स अराउंड लेक एरिया इन यूएसए कैन बी इंपैक्टेड इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ, कौन सा वो रीजन है जिसके कारण से लेक एरिया जो है उसको इम्पैक्ट हुआ फ्यूचर में। तो यहां पर आएगा डी, इट इज इट्स ओवर डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट ऑफ आयरन ओर। मतलब ये जो है ज्यादा जो डिपेंड किस पर है, इम्पोर्ट मतलब जो आयरन ओर दूसरी जगह से आता है फिर ये जो फैक्ट्रियां रन करती है यहाँ पर है वो, तो इससे फ्यूचर में उसको कहीं ना कहीं सप्लाई कम होगा तब उनको इम्पैक्ट पड़ सकता है, आयरन ओर का सप्लाई कम होगा। तो देन हाउ इम्पोर्टेंट इज अ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। मतलब जो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है वो कितना इंपॉर्टेंट है कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा कि इट इज अ डिजायरेबल बट नॉट नेसेसरी। मतलब जरूरी है बट उतना भी हम जो डिजायरेबल, मतलब जो होना चाहिए क्या, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए बट नेसेसरी नहीं, क्योंकि आजकल देखोगे तो आर्टिफिशियली भी ये जो ह्यूमिड और वार्म जो क्लाइमेट है उसको क्या कर दिया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। देन नेक्स्ट आता है आपका एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एसरेशन और रीजन दोनों को डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ता है फिर ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं। इन रिसेंट टाइम्स सम टेक्सटाइल मिल्स इन अहमदाबाद हैव क्लोज डाउन। रीजन बताया कि दे आर अनेबल टू फेस कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज मिल दैट आर एबल टू सेल टेक्सटाइल एट अ चीपर प्राइस। तो यहाँ पर आपको जो दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है क्या, सो यहाँ पर ए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बॉट दोनों ट्रू है ए और आर, और जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। देन नेक्स्ट आता है आपका सिक्स नंबर का कि विच एडवांटेज अवेलेबल टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट अहमदाबाद इज नॉट अवेलेबल टू वन एट ओसाका। मतलब जो ओसाका में जो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वो कहीं ना कहीं अहमदाबाद में अवेलेबल है। तो ये आपका जो रॉ मटेरियल्स है ना, तो ये हो जाएगा प्रॉक्सिमिटी टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। मतलब जो अहमदाबाद के आसपास रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है वहां पर जो कॉटन ग्रो किया जाता है, बस साका का जो जापान है वहां पर पूरी तरीके से जो कॉटन है वो इंपोर्ट किए जाते हैं। देन टेक्स हॉलीडे फ्रॉम द गवर्नमेंट इनकरेज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज बिकॉज इट हेल्प इंडस्ट्रीज टू। मतलब जो टैक्स जो हॉलीडे टैक्स में छूट मिलता है वो किस तरीके से इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करता है। सो यहां पर आपका आ जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, हैव अ हायर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट फॉर आ स्पेसिफिक पीरियड्स। मतलब अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो टैक्स का जो अमाउंट है वो है, हमारे प्रॉफिट में चला जाएगा। तो जहां तक जब तक टैक्स हॉलीडे मिला हुआ है तब तक प्रॉफिट जो का मार्जिन है वो ज्यादा हाई होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका एट नंबर का, द यूज ऑफ सिलिकॉन रिकॉग्नाइज द प्रोडक्शंस ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इट हेल्प इन क्रिएटिंग। जो सिलिकॉन का यूज किया जाता है उससे क्या हुआ कि इससे फायदा ये हुआ कि भाई जो पर्सनल जो कंप्यूटर्स है, सी ऑप्शन हो जाएगा कि ज्यादा जो है बनने लगे और एक तरीके से जो है क्या हो गया, कंप्यूटर सेक्टर्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आया। देन नेक्स्ट आता है आपका नाइन्थ नंबर का, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फैक्टर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज। इनमें से कौन से वो फैक्टर्स नहीं है जो आपके जो आईटी इंडस्ट्रीज को डिटरमाइन करता है कि यहाँ पर उसका लोकेशन होगा, तो वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन,
प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, मतलब मार्केट को ऐसा कोई फैक्टर्स नहीं है जिससे आईटी इंडस्ट्री वही लगेगी, ऐसा नहीं होता भाई। मार्केट तो कहीं भी ऑल वर्ल्ड में इनकी आईटी इंडस्ट्रीज के लिए मार्केट मिल जाता है। देन नेक्स्ट आपका आता है गिव रीजन वाले क्वेश्चंस। इसमें आपका फर्स्ट आता है आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैव इंक्रीजली बीन कमिंग अप नियर सी पोर्ट्स, मतलब जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स है वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे सब सी पोर्ट्स के पास में ज्यादा आते लग जा रहे हैं। तो इससे आंसर हो जाएगा कि न्यू आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर कमिंग अप नियर सी पोर्ट एज आयरन और ऑफ्टन हैज टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अबॉर्ड्स, मतलब जो ज्यादातर आजकल जो आयरन और स्टील जो प्लांट्स है सी पोर्ट के पास में लगने का रीजन है कि भाई जो इम्पोर्ट किया जाता है आयरन और कुछ कहीं दूसरी जगह से मंगाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ आप देखोगे तो जो बैलाडीला के जो माइंस है वहां से विशाखापट्टनम होते हुए जो आयरन और जो है वो कहाँ जाता है, जापान जाता है। तो जापान में जो भी फैक्ट्रियां लगेगी वो ज्यादातर सी पोर्ट के आसपास लगेगी ताकि उनको इजिली वहां से सी से जो शिप्स के माध्यम से आ रहे हैं वो सीधा सीधा फैक्ट्री में ट्रांसफर किया जा सके। देन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विच बिगन इन मुंबई वॉज ग्रेजुअली एबल टू स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है मुंबई में पहले ग्रो हुआ फिर धीरे धीरे दूसरे पार्ट में इंडिया में भी ग्रो करने लगा, उसका रीजन आपको बताने हैं। सो द आंसर में हो जाएगा द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सून स्प्रेड फ्रॉम मुंबई टू डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ह्यूमिडिटी आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द टेक्सटाइल फैक्ट्री टू ऑपरेट इन कुड नो बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो एक जो मेन जो पहले था कि भाई ह्यूमिडिटी जो बहुत ज्यादा लगता था, एक जो बेसिक कंडीशन था ह्यूमिड जो क्लाइमेट होना चाहिए तो उसको जो है फैक्ट्री ऑपरेट करने के लिए जरूरी था, बट अब ये जो है आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा था। इसके कारण से दूसरी जगह भी जो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो लगने लगे थे। देन थर्ड आता है द प्रेजेंस ऑफ द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वॉज एडवांटेजियस फॉर द ग्रोथ ऑफ द आईटी इंडस्ट्रीज इन सिलिकॉन वैली, मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो था उसके कारण से कहीं ना कहीं वहां पर सिलिकॉन वैली डेवलप हुआ। तो आंसर में आपका हो जाएगा द प्रेजेंस ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नियर बाय फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ वेल फंडेड रिसर्च इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नियर में था तो उसका क्या हुआ कि भाई फंड वेल फंड जो रिसर्च वहां से हो जाता था इस कारण से जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वहां पर ज्यादातर डेवलप हुई। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड नंबर का कंपेयर द फैक्टर्स फेवरिंग द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पर फैक्टर्स जो बताने हैं जो डेवलपमेंट के, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अहमदाबाद में जो इंडिया में जो डेवलपमेंट के लिए फेवर था और ओसाका में जापान में जो डेवलपमेंट के लिए फेवर था। आंसर थोड़ा लॉन्ग होगा, पॉइंट्स वाइज आप नोट डाउन या स्किप कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो सम डिफरेंसेज हैं सिमिलरिटीज भी देखने को मिलते हैं और डिफरेंसेज भी देखने को मिलते हैं। सो द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरिया, ये जो है कॉटन ग्रोइंग एरिया पर अहमदाबाद लोकेटेड था। यहाँ पर ह्यूमिड एंड फ्रॉस्टी क्लाइमेट था, फ्लैट टेरेन से इजी अवेलेबल ऑफ लैंड हेल्प इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मिल्स, फ्लैट लैंड था वहां पर, है ना, प्लेन एरियाज था। द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया प्रोवाइडेड स्किल एंड अनस्किल्ड लेबर एट चीफ कॉस्ट, अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द मुंबई पोर्ट्स, मतलब पॉपुलेटेड एरिया था तो वहां पर इजिली दामों पर काम करने वाले वर्कर्स मिल गए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नेटवर्क था, रोडवेज थे, रेलवेज था, साथ ही साथ जो मुंबई पोर्ट था तो शिप के माध्यम से भी जो मटेरियल्स है उसको लाना ले जाने का काम इजिली हो सकता था। ओसाका की बात करें सो जापान में जो है कॉटन नहीं ग्रो किया जाता है, सो जापान डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन इम्पोर्ट फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल, मतलब जनरली जापान जो ओसाका था वहां पर कॉटन ग्रो नहीं होता तो वो इम्पोर्ट मतलब दूसरी जगह से मंगाते थे। द फैक्टर्स विच हैव बीन ग्रो वेयर द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका इंश्योर इजी अवेलेबल ऑफ लैंड फॉर द सेटिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, मतलब प्लेन एरिया था ओसाका के आसपास एरिया तो वहां पर कॉटन मिल्स इजिली जो है बिल्ड किया जा सका, सेटिंग अप किया जा सका। देन द वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन स्पिनिंग एंड वीविंग एक्टिविटीज, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन जो वार्म और ह्यूमिड था, सो देन द रिवर जो योडो था वहां से एडुकेट वाटर जो है मिल्स को मिल जाता था। अबेंडेड और चीप जो लेबर्स अवेलेबल थे, साथ ही साथ जो पोर्ट फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल था जिससे रॉ कॉटन और जो टेक्सटाइल जो फिनिश जो प्रोडक्ट्स है उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता था। तो इस तरीके से दोनों जगह जो है फेवरेबल जो डेवलपमेंट जो फैक्टर्स है वो देखने को मिलता है। पॉइंट्स बहुत सारे हैं, इसको आप कुछ पॉइंट स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके टीचर्स अलाउ करते हैं तो। देन नेक्स्ट आता है आपका सिलिकॉन वैली एंड बेंगलुरु एज इम्पोर्टेंट आईटी हब,
मतलब जो सिलिकॉन वैली जो था और हमारा जो बेंगलुरु है जो आईटी हब के रूप में, तो दोनों का जो फैक्टर जो फेवरिंग था जहां पर डेवलपमेंट हुआ, सो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन वैली एंड बेंगलुरु एज ए इम्पोर्टेंट आईटी हब। देयर आर सेवरल सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू प्लेस, दोनों में सिमिलैरिटीज हम देखते हैं। सो सिलिकॉन वैली लाइज नियर द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, दिस फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ वेल फंडेड रिसर्च इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इन 1951 द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पार्क वॉज फाउंडेड नियर द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। लेटर मेनी कंपनीज लाइक IBM, NASA एंड Xerox स्टार्टेड देयर रिसर्च ऑपरेशन हियर। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस इन दिस फील्ड्स अकर्ड इन द सिलिकॉन वैली। मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास में ये जो सिलिकॉन वैली है वो डेवलप हुआ है। सो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिसर्च रिलेटेड वहां पर वेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल था। 1951 में जो स्टैनफोर्ड इंडस्ट्रियल जो पार्क है वो उसी यूनिवर्सिटी के आसपास लगाया गया। यहाँ पर डिफरेंट जो IBM, NASA और Xerox के जो कंपनियां हैं रिसर्च ऑपरेशन वहां पर करने लगी। सो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नई नई जो फैक्ट्रियां हैं, नए नए जो वर्कर है यहाँ पर सिलिकॉन वैली में IT के सेक्टर में होने लगे। अब बेंगलुरु जो इसे हम इंडिया का जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाते हैं, सो द स्टेट ऑफ कर्नाटका ऑफर वेरियस concessions like a 5-year tax holiday to encourage IT companies to set up base in Bangalore. Besides, there were other factors such as the presence of many high-tech industries, availability of highly educated and skilled labor at a relatively low cost, a favorable climate for comfortable living and good infrastructure. मतलब tax holiday था 5 years तक कोई भी setup company करते तो 5 सालों तक उनको tax pay नहीं करने तो ज्यादा profit होगा। साथ ही साथ जो हाईटेक इंडस्ट्रीज वहां पर पहले से लोकेटेड था, हाईली एजुकेटेड और जो लो कॉस्ट पे जो स्किल जो लेबर वहां पर अवेलेबल थे, साथ ही साथ कंफर्टेबल और जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन था, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड्स रेलवेज वगैरह एयर कनेक्टिविटी वहां पर बेहतर था, इस कारण से IT हब जो है बेंगलुरु के रूप में डेवलप हुआ। तो नेक्स्ट आता है आपका आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ। फर्स्ट इसमें आएगा व्हाट आर द मेन इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का मेन जो हम इनपुट्स की बात करें तो रॉ मटेरियल्स आयरन ओर है, वो आयरन ओर, कुकिंग कोल, मैग्नीज और लाइम स्टोन है, वो हमें इनपुट्स के रूप में या फिर जो रॉ मटेरियल्स उसमें लगता है। आउटपुट्स देखेंगे सो द आउटपुट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज आर पिग आयरन एंड स्टील, दे आर यूज एज अ रॉ मटेरियल बाय अदर इंडस्ट्रीज। मतलब जो पिग आयरन और जो स्टील्स है वो निकलता है, अदर जो इंडस्ट्रीज है इसको एज अ रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं। सेकंड आता है आपका व्हाट आर द नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर यूज फॉर मेकिंग टेक्सटाइल। सो कौन कौन से वो जो नेचुरल फाइबर्स और जो सिंथेटिक फाइबर्स है जो टेक्सटाइल के लिए यूज किए जाते हैं। सो द नेचुरल फाइबर्स में देखें फॉर मेकिंग क्लॉथ आर कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स। मतलब ये सभी क्या है, नेचुरल फाइबर्स है, वाइल कॉटन, जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स आर ऑफ प्लांट ओरिजिन। मतलब ये जो है प्लांट से मिलते हैं, सिल्क और वूल है वो एनिमल से हमें मिलता है। Now cloth is also made using synthetic materials. These are also known as a human made fiber. Some examples में आप देखिए तो nylon है, polyester है और rayon है। So इस तरीके से ये जो synthetic fibers और आपके natural fibers. Then next आता है आपका third number का What are the factors that result in the rapid expansion of the textile industries in Mumbai? So answer इसमें देखिए climatic and locational advantages like warm, moist and frost-free climates, proximity of Mumbai port for the import of machineries and the availability of raw materials and skilled labor resulted in the rapid expansion of the industries in and around Mumbai. Means क्या था कि यहाँ पर जो warm और moist जो climatic frost-free जो climatic conditions था, Mumbai ports easily available था जहाँ से हम बाहर से दूसरे देशों से मशीन मंगा सकते थे, raw materials आसपास available था, स्किल जो लेबर्स है वो कम दामों पर मिल जाता था, इसके कारण से मुंबई और उसके आसपास ये जो इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रो हुए, सेटअप हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का हाउ डिड सिलिकॉन वैली गेट्स इट्स नेम, व्हाई हैज सिलिकॉन वैली बिकम सिनोनिमस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सिलिकॉन वैली से उसका नाम कैसे पड़ा और सिलिकॉन वैली को एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पर्यायवाची कैसे बन गया। तो आंसर देखिए सिलिकॉन वैली गेट्स इट्स नेम From the silicon that was used to make chip for computer, मतलब सिलिकॉन वैली इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो कंप्यूटर में जो चिप बनते हैं वो किससे बनता है, सिलिकॉन से बनता है। सो द नेम सिलिकॉन वैली हैज बिकम सिनोनिमस विद द वर्ड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिकॉज इट इज फ्रॉम
here that the industry started in 1970s and spread rapidly across the world. मिस नाम क्यों पड़ा सिलिकॉन वैली का जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो इसका मतलब हुआ कि जो भाई जो 1970s में जो इंडस्ट्रीज है यहीं से स्टार्ट हुआ था, सिलिकॉन का यूज ज्यादातर यही इंडस्ट्रीज में किया जाने लगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और पूरे वर्ल्ड में जो ये जो टेक्नोलॉजी है वो फैलते गया, इस कारण से इसको जो है सिनोनिम्स के रूप में हम जानते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका डिटेल वाले, तो फर्स्ट नंबर आता है एग्जामिन द रीजन व्हाई जमशेदपुर वाज चूजन फॉर लोकेटिंग टिस्को। सो टाटा आयरन एंड स्टील जो कंपनी है इस्टेब्लिश करने के लिए जो है जमशेदपुर को ही चूज क्यों किया गया, तो उसका रीजन बताने हैं, बहुत सारे रीजन है ना। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका इसमें अबंडेंट आयरन ओर डिपॉजिट था, सो टिस्को गेट आयरन ओर द मेन रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग स्टील फ्रॉम सिंहभूम एंड मयूरभंज माइंस। मतलब जो आसपास मयूरभंज और सिंहभूम जो माइंस है वहां से इजिली जो है आयरन ओर जो रॉ मटेरियल है वो मिल जाता था। अबंडेंट कोल एंड मैगनीज डिपॉजिट, मतलब जो टिस्को डिपेंड ऑन द झरिया एंड रायगंज कोल माइंस फॉर इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ गुड क्वालिटी कोल, इट ऑब्टेन मैगनीज फ्रॉम द कंजर माइंस इन ओडिशा। मतलब आसपास में कोल और मैगनीज डिपॉजिट भी था जिसके कारण से जमशेदपुर को चूज किया गया। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट आता है अल्बिटी ऑफ लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट्स, टिस्को सप्लाईज ऑफ लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट्स कम फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। तो यहाँ पर आसपास एरिया में भी आपका जो लाइमस्टोन और जो डोलोमाइट है वो भी अवेलेबल था, जिसके कारण से एक सेंटर जगह चूज करके जमशेदपुर को चूज किया गया। वाटर सप्लाई द खरखई एंड सुबर्ण रेखा रिवर इंश्योर सफिशेंट वाटर सप्लाई टू द प्लांट्स। मतलब आसपास जो खरखई और सुबर्ण रेखा रिवर था तो वहां पे वाटर सप्लाई भी इजिली अवेलेबल था। देन कनेक्टिविटी देखें एंड मार्केट, सो जमशेदपुर लाइज ऑन द मेन लाइन कोलकाता मुंबई रेलवे रूट्स विच लिंक इट डायरेक्टली टू द टू मेजर मार्केट्स एंड पोर्ट ऑफ कोलकाता एंड मुंबई। मतलब उसी के आसपास जो जमशेदपुर के आस में कोलकाता और मुंबई रेलवे रूट्स था, जो मार्केट से और पोर्ट से जो कोलकाता पोर्ट और मुंबई पोर्ट से उससे डायरेक्टली कनेक्ट करता था। इन सब रीजन के कारण से जो टिस्को है उसको जमशेदपुर में लगाया गया, मेन रीजन था। ये सभी पॉइंट्स है, आपको जितना सफिशियंट लगता है उतने पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिए। सेकंड आता है आपका एग्जामिन द लोकेशन एडवांटेजेस दैट डेट्रॉइट हैज फॉर मैन्युफैक्चरिंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। सो आंसर हम देखते हैं, डेट्रॉइट हैज मेनी लोकेशनल एडवांटेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। डेट्रॉइट में बहुत सारे लोकेशनल से रिलेटेड एडवांटेज थे, जैसा भी हमने जस्ट देखा जमशेदपुर से रिलेटेड था, तो वही जो चीज है अब हम जो है डेट्रॉइट से रिलेटेड बात करेंगे। सो देयर इज अ इजी एक्सेस टू आयरन ओर डिपॉजिट। आयरन ओर डिपॉजिट कहाँ से बनाते थे, तो लेक सुपीरियर जो रीजन था, और स्पेशली जो सीप जो है लेक एरी से जो होते हुए जो मटेरियल्स है वहां पर आता था। देन द नॉर्थ अपलेंचियन कोल बेल्ट इज द सोर्स ऑफ कोल फॉर द स्टील इंडस्ट्रीज इन डेट्रॉइट। डेट्रॉइट में जो है नॉर्थ अपलेंचियन जो कोल बेल्ट है वहां से जो है कोल आता था। देन There is a excellent network of roads, rails and inland and marine waterway for transport. Transport के लिए वहां पर roads, railways था, inland, marine waters थे, तो ये सब benefits था। Then next आता है there is a massive demand for steel from the local market. साथ ही साथ आसपास के जो local market है वहां पर steel का demand बहुत ज्यादा था, जिसके कारण से Detroit में manufacturing iron और steel का जो hub बना हुआ। Next the Niagara Falls provides relatively cheap hydroelectric powers to प्लांट्स। लेक एरी ऑल्सो प्रोवाइड्स वाटर फॉर द आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। मतलब जो नायग्रा जो फॉल्स था वहां से हाइड्रोलेक्ट्रिक जनरेट किया जाता था, पावर सप्लाई कंटिन्यू होता था, साथ ही साथ जो लेक एरी है वहां से कंटिन्यू जो है वाटर सप्लाई जो आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन के लिए किया जाता था। तो ये सेकंड के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, ओसाका इज नॉन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट। वो जो हमने लोकेशन एडवांटेज वाला देखा था ना, वही पॉइंट फिर आ जाएगा। तो ओसाका इज नॉन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, दिस इज बिकॉज इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन जापान। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द फैक्टर दैट हेल्प ओसाका बिकम द मैनचेस्टर ऑफ जापान। जो ओसाका को हम मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां पर टेक्सटाइल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अब उसके कुछ जो फैक्टर्स हैं जिसके कारण से ज्यादा प्रोडक्शन ओसाका में किया जाता है। सो द एक्सटेंसिव प्लेन एरियाज था जो ओसाका के आसपास, जहां पर कॉटन मिल सेटअप करने के लिए इजिली हुआ। देन वार्मर ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस था, जिसके कारण से स्पिनिंग और वेविंग एक्टिविटीज है वो इजिली था। साथ ही साथ आपके जो रिवर योडो था वहां से वाटर सप्लाई मिल शो किया जा सकता था। साथ ही साथ अबेंडेड और चीप लेबर अवेलेबल थे, जो
कहीं ना कहीं टेक्सटाइल मिल में काम करने के लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल था। देन प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट फैसिलिटीज इम्पोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल, मतलब पोर्ट वहां पर इजीली नियरेस्ट अवेलेबल था, जिसके कारण से रॉ मटेरियल्स को इम्पोर्ट किया जा सकता था और जो फिनिश जो प्रोडक्ट है उसको हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो इस तरीके से ये जो थर्ड का आंसर हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाई इट द इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियास इकोनॉमी। सो इससे रिलेटेड आंसर है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्टिकुलरली ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो इसमें वो ये आता है कि कंप्यूटर बेस्ड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनाए जाते हैं, तो उसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इट इज अ जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी टेक्नोलॉजी दैट हैव टू प्रोड्यूस मैनिपुलेट स्टोर कम्युनिकेट एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया जाता है उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करते हैं। देन द आईटी इंडस्ट्री इज वाइटल फॉर इंडियास इकोनॉमी, इट इंप्लॉयज ओवर 5 मिलियन पीपल्स एंड द नंबर इज एक्सपेक्टेड टू राइज मैनफोल्ड इन द ईयर टू कम। अराउंड 30% ऑफ द पीपल इंप्लॉयड इन दिस सेक्टर्स आर वोमेन। द इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज हैज एक्सपोर्टेड सॉफ्टवेयर वर्थ अराउंड $320 billion इन 2023। इट अर्न द मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज इनकम विथ अ नंबर ऑफ BPO एंड KPO establishments set up in India। मतलब इंडिया के लिए हम जो देखें तो IT जो इंडस्ट्री है बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 5 मिलियन जो पीपल है इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और बढ़ते जा रहे हैं। अराउंड जो 30% जो पीपल्स यहाँ पर एम्प्लॉयड है वो वोमेन है और इंडियन जो आईटी इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। 320 जो बिलियन जो US डॉलर है वो 2023 में उसका जो एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर करने से हमें इनकम हुआ था और मेजर जो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जो इनकम होता है वो कहीं ना कहीं इसी के थ्रू होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो BPOs और KPOs जो है इस्टेब्लिश है। तो इस तरीके से ये जो हमारे इंडिया के जो इकोनॉमिकली आईटी इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है मैप बेस्ड क्वेश्चंस। मैप में आप देखिए कि एक जो वर्ल्ड का मैप दिया है वो यहाँ पर आप देखिए वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच आर द रीजन विद द हैवी कॉन्सेंट्रेट ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन सा वो रीजन है जहां पर आपको बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे रीजन आप देख सकते हैं, तो जिसमें हम नोट करते हैं नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी आपको नजर आ रहा है, कोस्टल ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कोस्टल पार्ट में आप देख सकते हो, यूरोप है, एशिया है। तो आर द कॉन्टिनेंट दैट आर हैवी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मीन्स यहाँ पर आप देखिए तो यूरोप में भी आपको देखने को मिल रहा है, एशिया में भी देखने को मिल रहा है, तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। अफ्रीका में भी कुछ पार्ट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें आता है नेम द इंडस्ट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज है उसके नाम, तो यहाँ पर आप जो है यहाँ से देख सकते हैं ये जो मेजर इंडस्ट्रीज तो उसके जो सिंबल्स यहाँ पर दिए और फिर नोट डाउन कर सकते हैं ना। यहाँ पर मैंने आपके लिए पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, केमिकल, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, कॉटन, आयरन, स्टील, फूड्स आर इंडस्ट्रीज ऑपरेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। मतलब यहाँ पर बहुत सारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं तो उसके सभी नाम दिए, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन व्हाट आर सम इंडस्ट्रीज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका का जो वेस्टर्न जो कोस्ट है वहां पर आप देखिए तो क्या क्या जो लोकेटेड है, तो यहाँ पर पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है, केमिकल है, कॉटन है, आयरन एंड स्टील है, फूड्स है, तो ये सभी जो है आर सम इंडस्ट्रीज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी आपको दिखाई दे रहे हैं, आप अपने से भी काउंट करके नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है केस बेस्ड क्वेश्चन, एक पैसेज दिया हुआ है इसको आपको रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये केमिकल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है कि केमिकल इंडस्ट्रीज है तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो रॉ मटेरियल्स है उसको वो कन्वर्ट करता है और 70,000 डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल जो केमिकल जो मटेरियल्स हैं यही बनाए जाते हैं। दिस जो केमिकल डिफरेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में मेडिसिन है या फिर टेक्सटाइल, ग्लास है, प्लास्टिक्स है, लेदर्स, ये सभी सेक्टर्स में इनको फूड प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। सम केमिकल जो फैक्ट्रीज और कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं जिसमें सोप है, डिटर्जेंट पाउडर्स है वगैरह हो सकता है, कोल्ड वाटर, साल्ट, सल्फर, जिप्सम, लाइमस्टोन, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स है उसको हम केमिकल इंडस्ट्री में एज अ इनपुट्स के रूप में यूज करते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जो आपकी बात आती है जो पेट्रोल डीजल, जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है उसका जो बाई प्रोडक्ट्स है
तो उससे को पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कहते हैं। और इसका जो फर्स्ट जो डेवलपमेंट यूएसए में, उसके बाद यूरोप में होते हुए वो वर्ल्ड के पूरे देश में पूरा फैल गया। रसिया, जापान, चाइना, कनाडा, इंडिया और अदर कंट्रीज विच हैव केमिकल इंडस्ट्रीज। सो इस तरीके से ये एक पैसेज था, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि नेम सम इंडस्ट्रीज वेयर इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर यूज। सो यहाँ पर आप इंडस्ट्रियल केमिकल यूज किया जाता है, तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, मेडिसिन, मेट्रोलॉजी है, आपके टेक्सटाइल है, ग्लास है, पेंट्स है, एडेसिव्स है, प्लास्टिक्स, लेदर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड फूड प्रोसेसिंग। ये आपने जो देखा था ना पैसेज में था, वहीं से मैंने नोट डाउन किया है ना। देन सेकंड आता है आपका, व्हाट आर द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। इनपुट और आउटपुट्स क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोल, वाटर, साल्ट, सल्फर, जिप्सम, लाइमस्टोन्स, वेजिटेबल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, ये क्या है आपके इनपुट्स है। और आउटपुट्स में देखोगे तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज मिलाकर 70,000 डिफरेंट टाइप के जो इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स निकलते हैं। और इनसे क्या क्या है, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, टेक्सटाइल, पेंट्स, एडेसिव, प्लास्टिक, लेदर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं, यहाँ पर इनका यूज किया जाता है, इस केमिकल्स का आउटपुट सही है सभी। देन नेम फाइव प्रोडक्ट्स यू यूज एट होम दैट हैव केमिकल्स इन देम। मतलब फाइव प्रोडक्ट्स बनाने हैं जिसमें केमिकल्स है जो आपके घर में यूज करते हैं। तो जो सोप्स है, डिटर्जेंट है, कॉस्मेटिक्स है, मेडिसिन है एंड ग्लास है, टूथपेस्ट वगैरह, ये सभी में क्या रहता है हमारा, किसी ना किसी कोई ना कोई जो है केमिकल्स वगैरह जो है इंक्लूड्स रहते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उसके सोल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।